आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। ये महीना 14 तारीख के दिन रात में 1 बजे, शाम में जो है रात में 8:30 जैसा ये लोगों को अपने HMDA सीवेज बोर्ड के पास एक आदमी का कत्ल हुआ था। उनका नाम है हासिम है LS अशु, उनका 35 ईयर्स थे। इस सिलसिले में उनके दो दोस्त यूसुफ और फसल दोनों उनको कत्ल किए बोल के उनका भाई का कंप्लेंट आने से हम लोग FIR इशू करे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। और इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ कि ये तीन भी दोस्त थे, तीनों भी डिफरेंट कामा कर लेके अलग अलग जगह में रहते, लेकिन यहाँ पर काडी शॉप में आके यहाँ पर काडी पीना, सेंधी के दुकान में सेंधी पीना, और ये लोगों का बीच में दोस्ती था। लेकिन जो मरहूम है खासिम जो है सो ये लोगों को माँ बहन के गालियां देते थे रात गुस्से में, और पीने के बाद गालियां देना, ये लोगों के पास पैसे खींचना, ये लोगों पे जोर जबरदस्ती करते थे बोल के। और उसके बाद में वो झगड़े पूरे अंदर दिल में रख लेके ये लोग 13 तारीख के दिन झगड़ा हुआ। अभी ने फजल को जो है सो उनको गाली दे के 13 तारीख के दिन शाम में पैसे लिए, वही हरकत नहीं चेंज हो रहा, कुछ माँ को या कुछ घर वालों के पास और गालियां देना, ये लोगों पे जोर जुलूम करे बोल के उस सिलसिले में ये लोग मर्डर करे बोल के बोल रहे थे। और असली चीज क्या है तीनों ही बोलना, मरहूम तो बोलना या नहीं तो माडाले से तो बोलना, माडा से लोगों का वर्षन ये है। उसमें ये जो है सो यूसुफ जो है सो फलकनुमा का रवड़ी शिक्षक,